तो हम प्रॉब्लम देखते हैं तो देखिए ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है क्या बोल रहा है द हेड ऑफ वाटर ओवर एन ओरीफाइस ऑफ डायमीटर मीटर फोर्टी एम एम इज़ टेन मीटर तो देखिए ओरिफाइज के ऊपर हेड आपको कितना दिया दैट इज टेन मीटर आपको दिया है फाइंड द एक्चुअल डिस्चार्ज एंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टर वेना कॉन्ट्रैक्टर देखिए यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे हमको एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना है और एक्चुअल वेलोसिटी निकालना है तो क्या बोल रहा है सी डी इज गिवन दैट इज जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स एंड सी बी इज गिवन दैट इज जीरो पॉइंट नाइन एट ये आपको दिया हुआ है तो देखिए हम निकालते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम में हमें एच दिया है डायमीटर ऑफ ओरिफाइस दिया हुआ है दैट इज़ फोर्टी एम एम तो डायमीटर दिया तो एरिया ऑफ ओरिफाइस आप निकाल लेंगे पाई बाई फोर डी स्क्वायर करके तो एरिया इतना आ जाएगा सीडी दिया और सीबी दिया है तो देखिए एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना है तो सी डी क्या होता है क्वेश्चन होता है सी डी तो को और क्या लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं थ्योरेटिकल वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ ओरिफाइस थ्योरेटिकल वेलोसिटी आपकी कितनी आएगी दैट इज अंडर एरिया ऑफ ओरिफाइस तो देखिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे सी डी की जगह मैंने इतना पुट कर दिया एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन अंडर ओ टू जी एच अंडर टू यू दैट इज टेन मीटर ये एच है यहाँ पे दिस इज एच इन टू एरिया डायमीटर दिया था तो आपने एरिया निकाल लिया पाई बाई फोर डी स्क्वायर करके यहाँ पे एरिया आपने पुट कर दिया आप इसको सॉल्व कर लेंगे पॉइंट सिक्स इक्वल टू एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन अपॉन ये वाली वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज की वैल्यू आपको मिल जाएगी इसके बाद आपको क्या करना है एक्चुअल वेलोसिटी निकालना है हम जानते हैं सीवी क्वेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी निकालना है थ्योरेटिकल वेलोसिटी हम जानते हैं दैट इज अंडर टू जी एच होता है तो देखिए सीवी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी अंडर रूट टू जी एच अंडर कितना है दैट इज टेन है इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ये आपकी आ जाएगी थर्टीन पॉइंट सेवन टू मीटर पर सेकेंड थैंक यू